गाइस लोकी एमसू का एक अनोखा कैरेक्टर है। वो थोर का भाई है और शरारतों का देवता है। उस पे एमसू में कोई भी भरोसा नहीं करता है और वो लोगों को धोखा देने में और झांसा देने में माहिर है। वो एमसू में कितनी बार दिखाया कि वो मर चुका है पर वो मरता नहीं है। वो अपने जादू से दूसरों को ये यकीन दिलाता है कि वो मर गया पर वो वापस से फिर आ जाता है। और इस साल एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में हम देखते हैं कि थानोस लोकी को मार देता है और इसको लेकर मार्वल फैंसों के बीच बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है कि लोकी सही में मर गया या वो जिंदा है। और इससे रिलेटेड बहुत सारे फैंस ने बहुत सारे मार्वल फैन थ्योरीज बनाए हैं। सो आज हम ऐसे एक फैन थ्योरी के बारे में बात करेंगे जिसके हिसाब से लोकी अभी भी जिंदा है। तो गाइस वेलकम टू नाउ, सो बिना कोई समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। गाइस लोकी एमसीयू में दो बार मरने का नाटक कर चुका है। पहला गाइस सबको याद होगा कि थॉर में लोकी बायफ्रॉस्ट से नीचे गिर जाता है और सबको लगता है कि लोकी मर गया पर वो वापस फिर एवेंजर में रिटर्न करता है। नेक्स्ट थॉर डी डार्क वर्ल्ड में कार्स लोकी पर वार करता है और लोकी खुद को थॉर के सामने मरता हुआ दिखाता है। पर मूवी के लास्ट में हम एसगार्ड के थ्रोन पर ओडिन का रूप लेकर लोकी को बैठा हुआ पाते हैं। सो वैसे इन्फिनिटी वॉर के केस में भी लोकी मर गया। गाइस जैसा कि हमें पता है कि लोकी सही में एसगार्डियन नहीं है, वो फ्रॉस्ट जायंट्स की फैमिली से बिलोंग करता है और उसका स्किन के कलर भी ओरिजिनल में ब्लू है। पर ओडिन ने अपने मैजिक से उसे बाकी एसगार्डियन की तरह बना कर रखा है। फिर भी वो किसी फ्रॉस्ट जायंट्स और उनके चीज़ों के कॉन्टेक्ट में आता है तो उसकी स्किन का कलर टेम्पोरी ब्लू में चेंज हो जाता है। तो इस थ्योरी के हिसाब से यदि लोकी असली में मरता तो उसका स्किन का कलर ब्लू में चेंज हो जाता, पर ऐसा हुआ नहीं। तो गाइस सही था ये फैन थ्योरी, फिर भी ये कंफर्म नहीं हुआ है। ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि लोकी मर गया या जिंदा है। सो गाइस यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे धमाकेदार कंटेंट के लिए नोवेयर को सब्सक्राइब कीजिए। और गाइस कैप्टन मार्वल का प्रीव्यू देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखिए और एमसीयू का टाइमलाइन समझने के लिए नीचे वाली वीडियो देखिए। गुड बाय।